वेलकम टू संगीत प्रवाह वर्ल्ड। संगीत प्रवाह वर्ल्ड आपके लिए संगीत के लगभग सभी विषयों में घर बैठे लेसन्स उपलब्ध करवा रहा है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। आपके व्यूज से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप घर बैठे म्यूजिक सीख रहे हैं हर विषय। उसी कड़ी में आज हमने डिजाइन किया है आपके लिए सितार लेसन्स, बड़ा ही मधुर वाद्य यंत्र, सबके मन को अच्छा लगता है। बहुत सारी फिल्मों के संगीत में, रंगमंचीय संगीत में जहां देखूं वहां सितार का अगर प्रयोग नहीं हुआ तो संगीत अधूरा सा लगता है। तारों से बंधा हुआ, खूंटियों पर लटकते हुए ये जो तार आप देख रहे हैं, ऐसा एक तार वाद्य जो कि मधुरता में अपना एक विशेष स्थान रख रहा है। हमारा वादा है कि हम आपको सितार सिखा के ही रहेंगे। ले आइए अपने अपना सितार खरीद कर और संगीत प्रवाह के इन लेसन्स के साथ जुड़िए और सीखते रहिए घर बैठे। एक एक लेसन आपके पास एपिसोड वाइज आता रहेगा। आप सबकी सेवा में हमेशा तत्पर रहा है संगीत प्रवाह वर्ल्ड, और आज आप सीखने जा रहे हैं सितार का जो पहला एपिसोड है, टीचर हैं विपिन जी सोनी आपके सामने। ये आपको सितार की बारीकियों से अवगत कराएंगे हमेशा, और आपके प्रश्नों को भी जवाब देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। फोन नंबर आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी ईमेल आईडी भी आप देख रहे हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर पंडित अवध किशोर पांडे से। और आइए शुरू करते हैं आज का सितार का पहला लेसन। विपिन जी, सबसे पहले सितार का पूरा वर्णन कि किस तरह से इसमें क्या क्या अंग हैं इसके, वो आप हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को समझाएं। नमस्कार, मैं विपिन आज आपके लिए लाया हूँ सितार। सबसे पहले आप पूरी तरह से सितार को देख लीजिए, इसकी बनावट, इसके पार्ट्स, सबके बारे में मैं अभी बताऊंगा आगे से और पीछे से। सबसे पहली जो मैं बात बताने जा रहा हूँ सितार की बनावट। सितार बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। इसमें लकड़ी है, तार है, कद्दू है, क्यों इसका मेन पार्ट जो पीछे से अपन देखेंगे ये पार्ट, ये कद्दू का बना हुआ होता है। फिर है इसकी लकड़ी, जो सितार बनाने वाले अलग अलग लकड़ी यूज़ में लेते हैं। कोई सागवान की बनाता है, कोई टीक वुड बनाता है, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आ जाइए इसकी बनावट पे। इसके जो सबसे पहला पार्ट है ऊपर का हिस्सा, ये इसको हेड बोलते हैं। इसमें ये सितार की खूंटियाँ लगी हुई है। फिर आता है दूसरा पार्ट जहाँ पे अपन सितार को बजाते हैं, इसको बोलते हैं डांड। ये पूरा यहाँ तक लेके यहाँ तक डांड, इसके पीछे से भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा डांड। ये पार्ट है, इसको बोलते हैं तबली, इसका नाम है तबली। और ये है कद्दू, जो है तुम्बा, इसको बोलते हैं तुम्बा। ये है ब्रिज, मेरे इसमें दो ब्रिज लगी हुई है, जो मेन स्ट्रिंग की ब्रिज है ऊपर, ये इसमें छह तार है और नीचे है तरफ के तार। सितार दो तरीके के होते हैं,
एक ये तरफ वाला और एक बिना तरफ वाला। मेरे सितार में तारों की संख्या है 19, किसी में 20 भी होती है। ये हैं पर्दे, इन पर्दों की सहायता से सुर निकलते हैं, अलग अलग पर्दों पे अलग अलग सुर निकलेंगे। फिर आते हैं अपन स्ट्रिंग पे, तार पे। इसमें अलग अलग तार का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग तारों को मिलाना भी अलग अलग सुर पे होता है। सबसे पहला तार है और मुख्य तार है, इसको बोलते हैं बाज का तार। ये यहाँ से पहली खूंटी में इसमें आता है, ये जो पहली खूंटी है इसके अंदर तार आता है, इसको बाज का तार बोलते हैं। उससे पीछे आएंगे अपन दूसरे तार पे, ये होता है जोड़ी का तार और ये कॉपर का तार होता है। इसमें सिर्फ एक कॉपर का तार है, जोड़ी का तार जो साबे मिलेगा, बाकी सारे जर्मन स्टील के तार हैं इसमें। फिर तीसरे तार पे आते हैं, इसको गंधार का तार बोलते हैं, जो इस चौथी खूंटी पे लगा हुआ है। फिर पांचवा आएगा पंचम। फिर छठा तार सा का, फिर वापिस छठा तार, ये भी सा का है, इसको बोलते हैं चिकारी का तार। फिर नीचे की तो और आते हैं जहाँ छोटी ब्रिज लगी हुई है, ये है चिकारी के तार, इसको मैं बजा के बताता हूँ। ये रागों के हिसाब से अलग अलग सुर में अलग अलग रागों के हिसाब से मिलाए जाते हैं। ये है तरफ की खूंटियाँ, ये है मुख्य तारों की खूंटियाँ, इधर है एक मनका, इसको बतख की आकृति में बनाया गया है, इसको फाइन ट्यूनिंग के लिए अपन उपयोग में लेते हैं। और ये है नीचे, इसको बोलते हैं गुल्लू, इसमें तार सारे फिट होते हैं। ये जवारी ब्रिज, इसको जवारी भी बोलते हैं। तो ये था सितार का बनावट, सितार के पार्ट्स। अब मैं आपको इसमें सारे गामा कैसे बजता है और इसको कैसे, इसकी बैठक क्या है, वो सारी जानकारी बताऊंगा। अब इसमें भी दो तरीके से होते हैं, जैसे कि फीमेल अगर बजाएगी तो वो कैसे बजाएगी और मेल अगर बजाएगा तो वो कैसे बजाएगा। तो जैसे मैं अभी बैठा हूँ, ये सितार को, ये पांव को ऐसे बैठना है और पांव के ऊपर इसका तुम्बा ऐसे रखना है, ये है मेल सीटिंग। वैसे कुछ फीमेल भी ऐसे बैठ के बजाती है और जैसे जिसको सहूलियत हो वैसे बजा सकते हैं। ये जो हाथ है ये इस तुम्बे के ऊपर ऐसे रखेंगे, लेकिन इसका पूरा बैलेंस इस हाथ पे होना चाहिए, ये हाथ पूरा आपका फ्री रहेगा बजाने के लिए। अगर आप इसको इस पे करोगे तो बजाते वक्त स्पीड नहीं आएगी, ये सितार पकड़ते वक्त ऐसे गिरना नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, बस इसको ऐसे ही रखना है बैलेंस पूरा। अपना जो ये लेफ्ट शोल्डर है, शोल्डर के जस्ट सामने इसका डांड आ जाएगा। इसको बजाने के लिए बहुत आसान तरीका है याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें पर्दे देख के नहीं बजाए जाते, ऐसे बजाना ये करना वो सब गलत है, पीछे से ही देख के आपको अंदाज, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा, शुरू में थोड़ी परेशानी आएगी। ऊपर से सातवां पर्दा, 1 2 3 4 5 6 7, ये होता है अपना मेन सा। इस पे बजाएंगे, स्ट्रोक मारेंगे, इधर ये जो मेरी अंगुली है इसमें मैंने ये मिजराब पहन रखी है, मिजराब मिजराब बोलते हैं इसको, ये भी लोहे के तार की बनी हुई है, ये देख लीजिए। इसको पहनेंगे कैसे, इसको ऐसे रख के अंगुली में ऐसे डालना है और इसकी चोंच ऐसी रहनी चाहिए, ज़्यादा बाहर भी नहीं और ये ज़्यादा ढीली नहीं होनी चाहिए, ढीली होगी तो बजेगा नहीं सही। ये फिक्स आपकी अंगुली में जो भी नाप आता हो उसके हिसाब से आप दुकान वाले को अपनी नाप का ले सकते हैं। इस ये अंगूठे का भी बड़ा महत्व है, इस अंगूठे को यहाँ पे रखते हैं और जब बजाएंगे तब इसका मैं उपयोग बताऊंगा। फीमेल अगर, जैसे कि ये तो मेल सिटिंग और ये सब हो गया, फीमेल बैठना चाहे तो ऐसे करके बैठ सकती है, सितार को नीचे रख के, कुछ फर्श पे अगर कुछ बिछा दो तो बढ़िया है, क्योंकि अगर नीचे रखोगे तो स्क्रैच पड़ेगा। ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ के बजा सकते हैं, लेकिन मेथड वही रहेगा, आगे नहीं देखना है, पीछे देख के ही बजाना है।
चलिए मैं आपको इस पे सारे गामा कैसे बजता है वो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि ऊपर से सातवा पर्दा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सातवें पर्दे पे स्ट्रोक लगाएंगे। इसमें स्ट्रोक दो तरीके के होते हैं, एक दा और रा। हमेशा सितार बजाने से पहले ये याद रखना चाहिए कि हमेशा शुरुआत होती है वो दा के स्ट्रोक से होती है। इसमें दो होते हैं, दा और रा, एक अंदर एक बाहर। तो अंदर स्ट्रोक लगाएंगे तो वो हो जाएगा सा और उसका बोल होगा दा। ये सिर्फ दा बज रहा है अभी, रा बजाने के लिए इसको बाहर की तरफ अपन को स्ट्रोक मारना पड़ेगा। तो फिर वापस दा और दोनों को मिलाएंगे तो बजेगा दारा। और ये सारी आपकी अंगुली एक साथ चिपकी हुई होनी चाहिए। काफी लोग इसको एक अंगुली से बजाते हैं। तो एक अंगुली यूज में नहीं लेते हुए इसको चार ही अंगुली ऐसे और ये ऐसे चलेगा। ये बज रहा है अभी दारा दारा। और मेरी पहली फिंगर है ये सातवें पर्दे पे और यहां बजेगा सा। फिर आगे की ओर चलते हैं। इसमें जो दूसरा पर्दा है सा के बाद जस्ट अगला पर्दा ये है रे। फिर इसी तरह मैं आपको पूरी सरगम बताता हूँ कि कहाँ पे सारेगामा पादानिसा पूरा बजेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सातवें पर्दे से, एक दो तीन चार पाँच छः सातवा पर्दा। फिर आठवां पर्दा है रे का, ये शुद्ध रे है। अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो सारे शुद्ध स्वर बताऊँगा। फिर एक पर्दा छोड़ के अगला पर्दा आएगा ग का, फिर ग और म दोनों पास में, फिर एक पर्दा छोड़ के प, फिर वापस अगला पर्दा द का, फिर एक पर्दा छोड़ के नी और सा पास में। इसको मैं वापस बजाता हूँ, आप देखिए। अच्छा, राइट हैंड वो सेम तार पर ही चलता है। हाँ, जो अभी एक बार तय किया। जो एक बार क्या है कि इसमें दारा। ये क्या मुख्य तार यही है अधिकतर इसमें बजाने के लिए, क्योंकि इसमें जैसे अभी तो मैं मध्य सप्तक बजा रहा हूँ। इसमें ये जो सात पर्दे छोड़ के मैंने सातवें पर्दे पर सा लगाया, ये है मध्य सप्तक का सा। इसमें पीछे की ओर जाएंगे तो मंद्र सप्तक आ जाएगा। इसमें इसलिए मुख्य तार यही है और सारा काम अधिकतर इसी पे होता है। ये है सारे गामा पादानिसा सानी धापा मागरेसा। ये सिर्फ मध्य सप्तक है। अगर अपन को मंद्र सप्तक में जाना है तो सा से उल्टा चलेंगे। ये बजेगा सारे गा गा तक दूसरे तार पे, जो पीछे का अपने तांबे का तार है सा का, इसको खुला बजाएंगे तो सा बजेगा। Thank you.
सप्तक मैंने पूरे बजाए, मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक, सारे शुद्ध स्वर हैं। अब मैं आपको इसका अभ्यास कैसे करना है धारा धारा का वो बताता हूँ। जैसे कि ये सातवें पर्दे पे अपन ने सा बजाया, इसको धारा धारा करके 8 बार बजाना है। देख रहे हैं मेरी चारों उंगलियां एक साथ चल रही है, कोई भी अलग नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रही है। ये हो गया सारे गामा 8 बार। अब कई बार बजाने में ये दिक्कत आती है कि स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि उनकी अंगुली कौन से पर्दे पे है, तो इसका देखने का सबसे आसान तरीका है पीछे की ओर। जैसे अपन देखते हैं ये पर्दे धागे से बंधे हुए हैं, तो यहाँ से सातवां पर्दा होगा सा का, तो ये आप पीछे की ओर देख सकते हो और पीछे की ओर अंगूठा हमेशा आपका ऐसा रहेगा, पर्दे के ऊपर पहली अंगुली और पीछे का ऐसे, आगे से ये अंगुली पहली अंगुली ऐसे रहेगी और पीछे अंगूठा ऐसे। और रे बजाना है तो जस्ट आगे वाला पर्दा आप पीछे पर्दे देख के बजा सकते हो। मेरे हाथ की पोजीशन आप देखिए, जैसे सी बनता है वैसे इसकी पोजीशन है पूरी, और पहली अंगुली से तार बजता है और ऐसे कुछ निशान आपके हाथों पे हो जाएंगे। ये देखिए ऐसा निशान बनाना है, ऐसी जगह पे आपको ये रखना है जहाँ ज़्यादा दर्द ना हो, कुछ ना हो, और इसके लिए आप अगर वहाँ हाथ फिसलता है कुछ होता है तो खोपरे का तेल लगा के बजा सकते हैं, ये निशान बनेगा तार दबाने से। तो ये पोजीशन आप रखिए आपके अंगुली की जहाँ पे आपको बजाना है, ऐसी देखिए। और दूसरी अंगुली का, जैसे ये तो पहली अंगुली बजा रहे हैं अपन, और दूसरी अंगुली का उपयोग जैसे तार सप्तक का सा बजाएंगे अपन तो वहाँ पे करेंगे। दूसरी अंगुली इसलिए काम आती है कि अपन को अगर अवरोह में बजाना है वापिस, तो दूसरी अंगुली यूज करके फिर अवरोह में जाते हैं। आरोह में पहली अंगुली ही काम आएगी, जैसे आप देखिए मैं बजा के बताता हूँ। अब ये सा बजेगा तार सप्तक का, ये दूसरी अंगुली से बजेगा क्योंकि यहाँ अपन को रुकना है। वापिस सा दूसरी अंगुली से और नी पे वापिस पहली अंगुली आ जाएगी। और
कई बार बच्चे इसको अंगुली उठा उठा के बजाते हैं। ये अंगुली तार से उठनी नहीं चाहिए, जैसे अभी मैं उठा के बजा रहा हूँ। ये एक बार आपने तार को इससे दबाया तो ये दबा हुआ ही रहना चाहिए, जैसे अब देखिए मैं दबा हुआ बजाता हूँ। इससे क्या है, साउंड ब्रेक नहीं होगा, कहीं से आवाज बंद नहीं होगी, और सा और ये जितने भी सुर बजेंगे वो इस पर्दे के जस्ट पीछे अंगुली चिपका के रखने से होंगे। अगर आप पर्दे के ऊपर अंगुली रखोगे तो ये डेड साउंड आएगा। ये तो इस पर्दे के जस्ट पीछे, ये देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको अंगुली रखनी है तो आपका स्वर एकदम सही बजेगा। अब थोड़ा सा आगे किसका दोगे, डेड साउंड हो गया है। तो हमेशा कुछ भी सुर बजाओ आप पर्दे पे, उसके जस्ट पीछे की ओर अंगुली रहेगी, जिससे तार आराम से दब सके। इसमें भी देखिए रे से जस्ट पहले अंगुली है मेरी, और इसको आगे लाऊंगा तो ये साउंड डेड साउंड आएगा। तो इसको थोड़ा सा पीछे दबाना है। तो ये है सारे गामा बजाने का तरीका। आप बस पीछे की ओर देखिए, जैसे पहला सातवां पर्दा है सा का, फिर आठवां है रे का, फिर दसवां है ग का, ऐसे आप ग और म दोनों पास में है, नी और सा पास में है, बाकी सब में एक एक पर्दे का गैप है। चलिए मैं आपको कुछ अलंकार बताता हूँ सारे गामा, जो मैंने अभी बताया आठ बार बजाना है उसको आगे फिर चार बार बजाइए, फिर दो बार बजाइए, फिर एक बार बजाइए, मैं बजा के बताता हूँ आपको। चार बार बजाएंगे। तो ये आठ बार, चार बार, दो बार और एक बार सारे गामा बजाने का अभ्यास। इसमें बोल सिर्फ दारा दारा ही बज रहा है, दा रा दा रा, दा अंदर की ओर बजेगा और रा बाहर की ओर बजेगा।
दा रा दा रा। अभी इसी का अभ्यास करना है। इसमें और भी बोल आते हैं, वो मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको और आगे अपन को इम्प्रूवेशन करना है और लय कैसे बढ़ानी है। अभी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सीखते रहिए संगीत प्रवाह वर्ल्ड के साथ सितार, और बड़ा ही अच्छा लगा। बहुत विपिन जी ने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया है, और अभ्यास बहुत ज़रूरी है। बिना अभ्यास के आपको कुछ भी नहीं आएगा। अभ्यास ही आपका गुरु है, अभ्यास ही आपको सिखा रहा है। तो बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है।